हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिखाने जा रही हूँ कि हम परफेक्ट बेरिस्ता कैसे रेडी कर सकते हैं। हम लोग तो जानते ही हैं, कोई भी बिरयानी बेरिस्ता के बिना अधूरा है। और बेरिस्ता का फ्राई जितना अच्छा होगा, इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। तो चलिए अब देखते हैं परफेक्ट बेरिस्ता कैसे रेडी होता है। तो मैं यहाँ पर प्याज को कट कर रही हूँ। प्याज को ठीक इस तरह से ही हम कट कर लेंगे ताकि जो प्याज का जो लेयर है वो खुल के आ जाए। ऐसे आप देख ही सकते हैं, मैं लेयर्स को ऐसे अलग करके रख रही हूँ। तो मेरा बेरिस्ता फ्राई करने के लिए प्याज यहाँ पे एकदम रेडी हो चुका है। मैंने बारीक से प्याज को काट लिया है। फ्राइंग पैन में तेल गर्म हो चुका है, तो मैं अब प्याज को धीरे से तेल में डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। ऐसे तो हम बहुत सारा प्याज एक साथ नहीं फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई कर लेंगे। तो प्याज ब्राउन कलर होने तक हम धीमी आंच में इसको भून लेंगे। तो अब आप लोग कलर देख ही सकते हैं, ये एकदम ठीक ठाक फ्राई हो चुका है बेरिस्ता के लिए। ये ज़्यादा फ्राई नहीं होगा। अगर मैं इसे थोड़ा भी ज़्यादा फ्राई कर देती हूँ तो ये एकदम कड़वा हो जाता है टेस्ट में, और इसका कलर और भी डार्क हो जाएगा, तो वो एकदम अच्छा नहीं होगा। तो सेम प्रोसेस से बाकी का जो मेरा प्याज है वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये वाला पार्ट भी मेरा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो इसे भी मैं तेल से निकाल के टिश्यू पेपर में रख दे रही हूँ। प्याज में जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जब टिश्यू पेपर सोख लेगी तो ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कितना क्रिस्पी हो चुका है। मैं जब प्लेट में डाल रही हूँ एक आवाज़ भी आ रहा है, तो मतलब एकदम क्रिस्पी हो चुका है। तो बेरिस्ता के लिए हमें प्याज को इसी तरह से परफेक्टली फ्राई करना है। थोड़ा ज़्यादा भी नहीं करना है, थोड़ा कम भी नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी न्यू रेसिपी के साथ।